हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ साहब, कौन सा पेट्रोल डालो, नॉर्मल या हाई स्पीड? अरे यार नॉर्मल ही डाल देना, वैसे भी देखना पेट्रोल कितना महंगा हो गया। कितने का डालूं साहब? एक काम कर, ये 1000 का डाल दे, ये ले, ये चाबी। ओके सर। ओके ये लो बॉस। थैंक यू। इनको क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? खून निकल रहा है भाई साहब। हेलो हेलो भाई, ओह माय गॉड। Oh my God! ये तो मर गया। कौन? 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? साहब, इनकी गाड़ी में लाश है। लाश? साहब, पता नहीं किसको मार के लेके जा रहे हैं साहब। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे मर गया। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सीआईडी को फोन कर रहा हूँ। मैंने जो सफाई देना सीआईडी को देना। आइए, आपका इंतजार कर रहा था सर। आपने फोन किया था? जी, गाड़ी में एक लाश पड़ी है सर। ये गाड़ी किसकी? गाड़ी इनकी है सर। आपकी गाड़ी? यस सर। किसने मारा इसे? हमने नहीं मारा सर, हमें नहीं पता इसे किसने मारा। साहब, ये आदमी पहले से मरा हुआ था और इसके मुंह से खून आ रहा था। अभिजीत, शरीर पे कोई चोट वोट या गोली लगने का निशान नहीं है, ना ही गला घोटने का निशान है। अच्छा, क्या क्या देखा था तुमने? क्या बता रहे थे? साहब, इन्होंने 1000 रुपए दिए थे पेट्रोल भरवाने के लिए, और जैसे मैं पेट्रोल भर के इनको चाबी वापस करने आया तो देखा पिछली सीट पे ये आदमी मरा पड़ा है और इसके मुंह से खून भी आ रहा था। ये आदमी है कौन? सर हमें नहीं पता सर। ये नहीं पता मतलब? ये गाड़ी तुम्हारी है, ये लाश तुम्हारी गाड़ी में है और तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता? हमारा विश्वास कीजिए सर। सर हमें नहीं पता कि ये कौन है, और अगर हम ही इसे मारते तो हम इसे यहाँ पर क्यों लाते? हम इसे कहीं भी फेंक सकते थे। और सर, इसने तो हमसे लिफ्ट मांगी थी, वो पीछे वाले रास्ते से यहाँ आके देखा तो मरा हुआ था। मैंने कहा बेटा इनसे कि लिफ्ट मत दो, लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। एक मिनट एक मिनट, जब आपने इसे लिफ्ट दी थी तब ये आदमी ठीक था? हाँ सर, उस वक्त तो ठीक था बिल्कुल। इसे कुछ कहा था तुम लोगों से? हाँ सर, कुछ हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा था। और सर कह रहा था कि कुछ बेचैनी सी हो रही है, बस इससे ज्यादा तो इसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपको वो जगह मालूम है जहाँ पे आपने इसे लिफ्ट दी थी? जी। ठीक है विवेक, एक काम करो, फोन करके एम्बुलेंस बुला लो और लाश को फोरेंसिक लैब में भेजो। सर बस आगे बाहर रोक दीजिए। हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ से हमने उसे पिक किया था। और सर, सर वो आदमी इधर से भागते हुए आया था। इधर? जंगल से अंदर? चलो देखते हैं। और कोई भी था उसके साथ? अब नहीं सर, वो अकेला ही था फिलहाल, और तो कोई नहीं दिखा हमें। क्या कोई यहाँ आसपास ही छुपा होगा? हाँ सर, हो सकता है वो आदमी जंगल से ही भागते हुए आया था, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। क्या बात हुई, आप लोगों ने पूछा नहीं? सर हमने पूछा तो था, मगर वो कुछ बोला ही नहीं। और क्या बातें हुई तुम्हारी उसके साथ? ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ उसने इतना जरूर कहा था कि अगर कोई हॉस्पिटल दिखे तो उसे वहाँ उतार देना। सर शायद इसे किसी बिच्छू ने काट लिया होगा या फिर जहरीले सांप वाप ने काट लिया होगा। सर फ्रेडी, सांप का काटा एकदम पता चल जाता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जा सकते हैं, अगर फिर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। थैंक यू सर। उधर से ही जाइएगा, देखते हैं यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। वो आदमी
जंगल से बाहर की तरफ भागा है। सोचने वाली बात है कि ये कर क्या रहता है यहाँ पे। रेडी, आदमी ऐसे जंगल में जाता क्यों? छुपने के लिए। छुपने के लिए? हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ करके भाग रहा होगा तो ही आदमी जंगल में जाके छुपेगा। हाँ सर, नहीं तो कोई घर छोड़ के जंगल में क्यों आएगा? घूमने के लिए भी तो आ सकता है सर, जंगल में घूमना मना भी तो नहीं। ये बात तो है, वहाँ आया क्यों होगा? ये लो, आजकल ये चीजें जंगल में ज्यादा दिखती हैं, जंगली जानवर नहीं दिखते। दारू की बॉटल। दारू पीने आते लोग यहाँ पे, छुप छुप के ये काम ज्यादा होता है। ये देखिए, वही तो कह रहा था ना, ये चीजें जंगल में ज्यादा दिखती हैं। सर अब इतने बड़े जंगल में हमें पता कैसे चलेगा कि वो यहाँ क्या कर रहा था? शायद डांस करने आया होगा। क्यों, घर में डांस नहीं कर सकता? अरे सर, घर में डांस करेंगे तो घर वाले हंसेंगे। सर आप ही घर में डांस करते हो सर, और आपके ऊपर भी कोई हंसता है? हाँ, मेरी वाइफ भी हंस हंस के पागल हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि बोरिया बिस्तर बांध के जंगल की तरफ निकल लूं। हाँ, ये तो है। ये क्या कार? ये आने का कौन सा रास्ता ढूंढ लिया इस कार वाले? पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। अरे एक मिनट संभाल के जरा, देखना कोई सबूत खराब ना हो जाए। कहीं ये उसी आदमी की गाड़ी तो नहीं? अगर उस आदमी की कार है तो वो कार यहाँ से बाहर लेके क्यों नहीं गया? लिफ्ट क्यों मांगी किसी से? सर वो आदमी मरने की हालत में था, शायद उसने गाड़ी यहीं छोड़ दी। आदमी यहाँ से निकल के भागा है सड़क पे और कार में लिफ्ट लेके वहां मर गया। उसका यहाँ पे आना, ये कार छोड़ना, यहाँ पे कुछ हुआ है और शायद वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ में जरूर कोई ना कोई और होगा। वो सब लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकले, सिर्फ यही आया बस, बाकी गायब। बाकी के गायब? पेपर का फटा हुआ टुकड़ा, स्टैंप लगी हुई इस पे। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत, हमें इस गाड़ी को यहाँ से बाहर लेके जाना चाहिए। लगता है बस, लगता है ये कार यहाँ से अंदर लाई गई है, यहीं से बाहर लेके चलते हैं। विवेक, एक काम करो, इस जगह की अच्छी तरह से फोटो लो, ठीक है? एक एक पत्ते, एक एक पत्थर की फोटो लो, और इस कार की अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से फोटो लो, जल्दी। और एक काम करो, गाड़ी का नंबर से किसके नाम पे ये कार, किसकी गाड़ी है? यस सर। ये स्टैम्प किसी किसी कंपनी की स्टैम्प लग रही है। इस कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है? शायद उस मरे हुए आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए। फिल्टर तैयार है ना? हाँ सर। एक काम करो, ये जो लिख
कोई निकला है ना? तुम इसे जरा टेस्ट करो, देखो कौन सा जहर है इसमें। तब तक मैं इसके पेट का निकला हुआ ये मालताल जरा माइक्रोस्कोप पे देखता हूं। तारिका, क्या क्या निकला है इसके पेट में से? क्या भरा हुआ है फंके? लो, आ गए। मुंह से अभी कुछ निकला ही नहीं था कि पूछने वाले आ गए, है ना? यार फंके, हम तो इसके पेट में घुस नहीं सकते। अरे हम है ना बॉस इसके पेट में घुसने के लिए। तो फिर बताओ क्या मिला? मैंने इसका पेट काट के देखा, इसके पेट में क्या बाल मसाला था ये चेक कर ही रहा था कि इस आदमी ने मरने से पहले शराब पी रखी। वाह, देखा, इसे कहते हैं डिटेक्शन। आप माइक्रोस्कोप में झांकते ही रह गए और तारिका जी ने बता दिया। और क्या पता चला तारिका जी? और ये पता चला विजीत जी कि इस आदमी के पेट में कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले। क्या कहा सांग के? कांच के टुकड़े? मतलब इसने कांच खा लिया? लगता तो ऐसा ही था। अब कांच खाते वक्त इसने दांतों से उसका चूरा बना लिया हो तो कह नहीं सकते। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है तारिका जी, आप तो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी बात चुटकी में पता लगा ली है, कमाल है। वाह 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 वाह, अरे देखा, डॉक्टर साहब भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। सालू के साहब ये कह रहे हैं अभिजीत जी, इस आदमी के पेट में जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले ये बात अभी पता चली है, जस्ट नाउ, खुद ही देख लो। सालू के, हमें तुम पर विश्वास है। और बताओ बस, कांच की वजह से इसके पेट में जख्म हो गए, इसकी हथेलियां कट गई है पूरी तरह से, और हो सकता है इसकी मौत इसी वजह से हो। मतलब इसने दारू भी पी और कांच भी खाया। मगर सर, कोई कांच क्यों खाएगा अपने आप? आदमी दारू पी के ना जाने क्या क्या करता है। जब ये टून हुआ होगा तो इसे भूख लगी होगी और कांच के टुकड़ों को ये चकना समझ के खा गया होगा। क्या बात कर रहे फ्रेडी, कांच खाएगा कोई? और फिर कांच ही क्यों खाएगा चकना समझ के? टेबल कुर्सी खा लेगा, टेलीफोन खा लेगा। देखिए सर, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया, आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। ये मत भूलिए सर, मैंने भी कई केसेस सॉल्व किए हैं। ठीक है फ्रेडी, ठीक है, ऐसे हुआ होगा, पहले किसी ने इसे शराब पिलाई और फिर नशे में आने के बाद इसे कांच का पाउडर खिला दिया किसी और चीज में मिलाकर। सड़ों के इसकी शराब में जहर मिला था? सर, वो एक्चुअली मैं चेक करने वाली थी कि पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये आदमी है कौन और इसके पेट में ये कांच का पाउडर आया कहां से। Why? जरा लिखना why? दूसरा ए और ये एल, एल लिखा है, उसके बाद है सी ओ ओ, बस आगे तो कागज फट गया है। ये वाई ए एल और सी ओ के बीच में गैप है, वाई ए एल सी ओ, इसके आगे पीछे एक दो अल्फाबेट लगा के देखते हैं, शायद किसी कंपनी का नाम निकला है। ये देखो, छह कंपनीज है बस, आयल कोल प्रोडक्ट्स, बोरियल कोऑर्डिनेटर्स, आयल कंस्ट्रक्शंस, रॉयल कंप्यूटर्स, सोनियल कोऑपरेटिव बैंक, कोटियल कोल रिंग्स। ये कार्ड इन छह कंपनी से किसी का हो सकता है बस। करेक्ट सर। अबे सर, वो जो गाड़ी हमें मिली थी जंगल में से, हाँ, उसके मालिक का पता चल गया है सर। अच्छा, क्या नाम? मनोहर सर। मनोहर,
मरने वाले का नाम मनोहर हो सकता है, लेकिन वो जंगल में गया क्यों था? सर उसके घर का पता भी पता चल गया। वेरी गुड, तय काम करते हैं। तुम इन कंपनीज में जाके पता करो ये आदमी किस कंपनी में काम करता था। तब तक मैं मनोहर के घर जाता हूँ, देखता हूँ ये चक्कर क्या है। एक्सक्यूज मी, या मैनेजर कौन है? कुछ काम था। हाँ कुछ पूछना था। सर अगर एडमिशन के बारे में पूछना है तो आप 3 महीने बाद आइएगा, क्योंकि हमारा अगला बैच 3 महीने बाद शुरू होने वाला है। सर इतनी लंबी कहानी मत सुनाओ, हम सिर्फ ये जानना है कि ये आदमी यहाँ पे काम करता था क्या। सर क्या हुआ इसको? इसका खून हो गया। खून? हाँ किसी ने इसका खून कर दिया। किसने कर दिया खून इसका? यही तो हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे? कौन है आप लोग? हम लोग CID से। CID से? हाँ ये आदमी यही पे काम करता था ना? ये यहाँ काम नहीं करता था, ये कभी कभी यहाँ पे आता था मैडम की गाड़ी ठीक करने के लिए। मैडम की गाड़ी ठीक करने के लिए? हाँ अक्सर गैराज वाले इसको गाड़ी ठीक करने के लिए भेज दिया करते थे। मैकेनिक है ये मैडम कौन है? इस क्लासेस की मालकिन है सर। और किस बात को लेकर झगड़ा होता है इन दोनों के बीच? सर शायद इसने गाड़ी खराब कर दी थी मैडम के। ये आदमी है कौन? नाम क्या इसका? सर शायद इसका नाम रजनीश है। कहाँ काम करता है ये? हाँ सर ये सुपर गैराज में काम करता है। सुपर गैराज? यस सर। थैंक्स। सुपर गैराज चलो। जी कहिए। कि मनोहर साहब का घर यही है ना? जी। क्या हुआ चंदू? हाँ ठीक है तुम जाओ। जी किससे मिलना है आपको? आप? जी मेरा नाम मनोहर है। आप मनोहर हैं? क्यों कोई शक है आपको? वैसे बाहर मेरा नाम लिखा हुआ है, आप लोग कौन है? CID। ओ CID, आइए। आप लोग को मुझसे क्या काम है? मेरे घर के बाहर खड़े होकर पूछ रहे हैं कि मैं मनोहर हूं कि नहीं। सर अगर ये मनोहर है तो वो लाश किसकी है? और सर वो गाड़ी भी तो इन्हीं की है ना? किसकी लाश की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी में आपकी लाश मिली है। मेरी लाश? जी हाँ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरी लाश कैसे हो सकती है? मैं तो जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए खून हुआ है और जहाँ खून हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर आपकी कार खड़ी है। ZK00NK55। ये आपकी गाड़ी का नंबर है? हाँ ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। कहाँ है आपकी गाड़ी? जी वो तो गैराज में छोड़ कर आया हूँ मैं। अगर आपकी गाड़ी गैराज में नहीं मिली तो? ये कैसे हो सकता है, गैराज में गई है तो वही होनी चाहिए ना। आपकी गाड़ी जंगल में है। जंगल में? जंगल में? जी हाँ। कौन से गैरेज में दी थी आपने गाड़ी? सुपर गैरेज में दी है सर। ये सुपर गैरेज है कहाँ पे? जी वो हाँ दया बोलो। क्या सुपर गैरेज? हमें भी उसी गैरेज के बारे में पता चला है। हाँ ठीक है तुम पहुंचो, हम लोग वहीं मिलते हैं। सर ये रहा वो गैरेज। अरे ये क्या? क्या हुआ? अरे मेरी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे सुनो, हाँ मैं तुमसे बोल रहा हूँ, एक मिनट जरा। क्या चाहिए साहब? वो कहाँ गया वो तुम्हारा मिस्त्री? पता नहीं साहब, वो तो कल से गायब है। गायब? कहाँ गया? एक कार ठेकरा था उसी को लेकर बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आया। जरूर वो मेरी गाड़ी लेकर गया होगा। कहाँ गया वो, कुछ बता के नहीं गया? नहीं सर कुछ नहीं बताया। तुम्हारे गैराज से गाड़ी लेके गया, तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? ऐसा तो वो अक्सर करता रहता है, किसी भी कस्टमर की गाड़ी ट्रायल के बहाने बाहर ले जाता है। मगर सर इस बार वो पूरी रात पहली बार गायब रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं। क्या यही था वो आदमी? हाँ मगर इसे क्या हुआ? ये तो ये मर गया, खून हो गया इसका। और जो ये गाड़ी लेके यहाँ से गया था वो गाड़ी हमें जंगल में मिली है, समझे? मगर किसने किया खून इसका? यही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। ये आदमी रहता कहाँ पे था? एड्रेस वगैरह है आपके पास? 305 306 307 हो रहा सर। अरे घर पे तो ताला लगा है सर। तो मतलब
पूछेंगे किसको? मैं सोच रहा था ये घर पे कोई तो होना चाहिए था, रजनीश के माँ बाप भाई बहन कोई तो होना चाहिए था अंदर। इनमें से कोई जिंदा होता तो जरूर आपको मिलता। हम लोग को समझे नहीं आपकी बात। उसके परिवार में उसके अलावा और कोई है ही नहीं, और तो और खुद का घर भी नहीं है उसके पास। तो ये किसी और का घर है क्या? मेरा है ये घर, यहाँ पे वो किराए पे रहता था। अकेला रहता था क्या? हाँ। तब तो पता ही होगा आपको कि अभी वो कहाँ है। पड़ा होगा कहीं शराब पी के, रोज दोस्तों के साथ पार्टी मनाता है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं लगता हम लोगों को। तो उसके बारे में और भी कुछ मालूम होगा आपको। मगर आप लोग कौन हो, क्यों पूछते हो उसके बारे में? हम लोग CID से। हुआ क्या है? इस रजनीश का खून हो गया। खून? किसने किया है उसका खून? हम लोग भी यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे किसने मारा है। काफी टाइम से रहता था वो यहाँ पे, हमारे परिवार से घुल मिल गया था, वो मेरे बेटे जैसा था। अच्छा, हम उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं? हाँ। इस कमरे की चाबी तो होगी ना आपके पास? नहीं, मेरे पास। माफ कीजिए, दरवाजा तोड़ना पड़ा। आप रिपेयर तो करवा दोगे ना? हाँ, रिपेयर कर देंगे। हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े रहिए प्लीज। अक्सर यही होता है विजीत, कोई कहता है कि आदमी अच्छा था, कोई बोलता है खराब था। अब ये तो केस के आखिर में जाके पता चलता है कि असली मामला था क्या। ये तो है, पर इसके बारे में तो अभी कुछ पता भी नहीं चला है। देखते हैं क्या मिलता है। पेपर बिस्तर के नीचे छुपा के रखा हुआ था। ये तो नक्शा है। बेड के नीचे छुपा के रखा था मतलब गड़बड़ है। जरूर कोई इंपॉर्टेंट पेपर आई है, तभी तो छुपा के रखा हुआ था। किस जगह का नक्शा होगा ये? वही तो पता लगाना है फ्रेडी। इस जगह को देखो, यहाँ पे 5 रास्ते इकट्ठे हुए हैं। ये उत्तर से ये रास्ता आ रहा है और पूरब से आया हुआ ये रास्ता। अब इसमें से ये जो रास्ता ये उत्तर से आ रहा है और ये रास्ता पूरब से आ रहा है, इन दोनों रास्ते के बीच में ये जो खाली जगह है जिसको एक अजीब तरीके से मार्किंग किया गया है, गड़बड़ यहीं पर है, यहीं पर। मगर सर यहाँ पर तो सिर्फ निशान है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जगह है कौन सी? और सर ये एक लैंडमार्क है बस, जो मंदिर जैसा कुछ है। मगर सर शहर में तो बहुत सारे मंदिर है। हमें यही जगह ढूंढनी है विवेक। क्या हो रही? सर दिमाग में अटका हुआ है पर बाहर नहीं निकल रहा है सर। क्या? पता नहीं क्यों सर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह मैंने देखी हुई है। याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी हुई है, याद क्यों नहीं आ रहा है? हे भगवान, थोड़ी हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। आ गया सर, आ गया। मेरी जल्दी से निकालो नहीं तो वापस अंदर चली जाएंगे। सर ये जगह कल्याण नगर में वेस्ट में 5 रास्ते हैं और एक मंदिर भी है वहां पे। कल्याण नगर वेस्ट, ये तुम्हें कैसे पता चला? सर वहां से एक बार मैंने एक पॉकेट मार को पकड़ा था तो कुछ लोग मुझे मारने पीछे दौड़े थे। सर आपकी पिटाई हुई थी? कोई बात नहीं फ्रेडी, ऐसे होता है होता है। बस तुम लोग जाओ इस कल्याण नगर वेस्ट में और पता करो। ये वो जगह हो सकती है? बस लग तो वही रही है, काफी वीरान जगह है। इतनी वीरान जगह का नक्शा रजनीश के घर में क्या कर रहा था? सर यहाँ पे कुछ छुपा के रखा होगा। हाँ सर, छुपाने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। अरे कौन है आप लोग, किसे ढूंढ रहे हैं? आप?
मैं यहीं पास में रहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये जगह किसकी है, मालिक कौन है इस जगह का? मालिक को तो मैंने कभी देखा नहीं यहाँ, बहुत दिनों से खाली पड़ी है ऐसी ही जगह। सुना है बहुत पहले यहाँ कोई रहता था। कौन कौन रहता था, कुछ नाम वगैरह मालूम है आपको? ये तो मुझे नहीं मालूम। कुछ और मालूम है? हाँ मुझे याद है कि रात में एक दो बार मैंने यहाँ लाइट जलते हुए देखी थी। रात में लाइट, फिर तो बड़ा खतरा है सर। क्यों? रात में आत्माओं का चक्कर होता है। आत्मा? आत्माओं का नहीं, यहाँ पे कुछ और चक्कर है। चलो चल के देखते हैं। रजनीश को इस अड्डे के बारे में पता चल गया। रजनीश को इसके बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए खून हो गया उसका। शायद गैंग वालों ने ही मार दिया उसे। हाँ सर, ये औरत भी तो यही कह रही थी कि कभी कभी रात को यहाँ पर लाइट चलती है। काम करो संभाल के, हो सकता है अंदर कोई छुपा हो, तोड़ दो। काफी सारा सामान है सर। सर लगता है कि यहाँ का मालिक किसी काम से बाहर चला गया होगा और फिर सालों से वापस ही नहीं आया। सर ये भी हो सकता है कि वो मर ही गया हो। रजनीश के घर इस जगह का नक्शा मिला है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, देखते हैं। ऐसा लगता है काफी साल पहले खून किया है किसी ने इनका। हाँ सर, पापर यहाँ पर छिपा दिए। सर जिसने भी रजनीश को मारा है सर, उसका इन दोनों लाशों के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है सर। इस घर के मालिक को ढूंढना पड़ेगा। क्या सर उनके समझ में नहीं आ रहा, ढूंढने निकले थे रजनीश के खूनी को और खूनी तो नहीं मिला, हाथ में आई ये दो कंकाल। अब ढूंढो खूनी कौन है, ढूंढो इनका। अरे यार तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने कहा था क्या वहां जाने के लिए? अरे सर कम से कम आप हमें शाबाशी तो दे देते कि रजनीश के खूनी को ढूंढने में हम लोग एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। वाह बहुत सही रास्ते पे जा रहे थे, एक खूनी का पता नहीं लगा पाए और दो कंकाल और ला करके पटक दिए फॉरेंसिक लैब में। अब चाहते हो कि मेरी शाबाशी भी मिले? कम ऑन यार कम से कम इस रजनीश का चेहरा तो दिख रहा था, पता चल रहा था ये मुर्दा रजनीश का है, लेकिन ये दो कंकाल इनका तो चेहरा है ही नहीं। समझ में नहीं आता कि ये दोनों है कौन और कर क्या रहे थे उस घर में। लेकिन बॉस एक बात पता चली है। क्या? वो ये दोनों आदमी नहीं है। मतलब ये दोनों औरतें? नहीं, दोनों में से एक औरत है। तो ये दोनों पति पत्नी है। अब ये तो नहीं कह सकते दया, लेकिन दोनों के कंकाल पास ही में पड़े मिले तो कोई ना कोई रिश्ता तो होगा। तुम सर के इनकी मौत कब हुई है? बस मैंने तारिका को भेजा है सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में इन दोनों के डीएनए टेस्ट करने के लिए और इनका कार्बन डेटिंग टेस्ट करने के लिए। उसी से पता चलेगा इन दोनों की मौत कब हुई, इनकी उम्र क्या थी, इन दोनों के बीच में आपस में रिश्ता क्या था। सर सर इनकी मौत करीब 8 साल पहले हुई थी। 8 साल पहले? हाँ सर। कमाल है सर, ये लाशें 8 साल से उस घर में पड़ी थी और किसी को पता भी नहीं। अच्छा क्या उम्र रही होगी इन दोनों की तब? आदमी की उम्र लगभग 40 साल और औरत की 35 साल थी लगभग। तारिका इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? एक मिनट तारिका,
तुम्हारा बॉस कौन है? आप है सर। तो फिर सबसे पहले आकर के डिटेल मुझे बतानी चाहिए ना। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, कम मुझे बताओ क्या बात। क्या बात कर रही हो? ओह माय गॉड। ओए ड्रामेबाज, ड्रामा बंद कर और जल्दी बता क्या बताया तारिका ने। ये औरत रजनीश की माँ है। क्या? रजनीश की माँ? हाँ। डॉक्टर साहब, सिर्फ डीएनए रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा कि ये औरत रजनीश की माँ है? आओ बताता हूँ कैसे पता चलता है। देखो फ्रेडी, दो लोगों के बीच रिश्ते का पता लगाने के लिए 13 रीजन या लोकाई होते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि ये दो व्यक्ति कितने करीब हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि 13 के 13 रीजन या लोकाई मैच होते हैं। जितने ज्यादा रीजन या लोकाई मैच होते हैं, उसी से पता चलता है ये दो व्यक्ति कितने करीब हैं। ये इसकी माँ है, भाई है, बहन है या इसका पिता है। तो फिर क्या ये कंकाल क्या रजनीश के पिता का? नहीं सर। तो इसका इस रजनीश से कोई रिश्ता नहीं है? नहीं दया, कोई रिश्ता नहीं है बॉस। बड़ा अजीब चक्कर है सर। हमें उस घर से ये दो लाशें मिली थी, एक ये जो रजनीश की माँ है और ये दूसरा कंकाल जिसका रजनीश के साथ कोई संबंध नहीं है। और ये कौन है कुछ मालूम नहीं। या एक बार इस रजनीश के खूनी का पता चल गया ना, तो ये भी पता चल सकता है कि ये दूसरा कंकाल है किसका। वो जगह इसकी है, ये मालिक है उस जगह की। आप हैं? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। कल्याण नगर में मंदिर के पास जो घर बंद पड़ा है वो तुम्हारा है? सर घर तो मेरा ही है। मालूम है वहाँ पे दो दो लाशें मिली हैं। लाशें? हाँ लाशें। किसकी है वो? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। घर किसका? घर तो मेरा ही है साहब। तो फिर मालूम कैसे नहीं? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। 8 साल पहले किसको मारा था? सर 8 साल पहले तो मैंने वो घर खरीदा था। आप ये देखिए रजिस्ट्री के पेपर्स, स्वाति नाम की लड़की से मैंने घर खरीदा था। हो सकता है उसी ने लाश छिपाई हो। खरीदते वक्त घर खोल के नहीं देखा था? सर देखा था, उस वक्त तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और स्वाति ने 1 महीने का टाइम मांगा था तो मैंने कहा चलो ठीक है। हो सकता है उसी बीच में उसने लाश को छिपा दिया हो और उसके बाद मैंने घर को कभी नहीं देखा। बीच बीच में मैं आता था, बाहर से देख के चला जाता था, लेकिन अंदर घुस के मैंने कभी नहीं देखा। ये वही लड़की है जो कंप्यूटर क्लास चलाती है और इसके स्टाफ में से एक आदमी ने बताया था कि इसका रजनीश के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके। इसका मतलब स्वाति का और रजनीश का बस में कोई कनेक्शन है। रॉयल कंप्यूटर क्लास ना। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, जो जहां है वही बैठो। बैठो सर। आप लोग यहाँ? सर रजनीश के खूनी का कुछ पता चला? खूनी भी मिल जाएगा, पहले आप ये बताइए आपकी स्वाति मैडम कहाँ है? सर स्वाति मैडम आज गोवा जा रही है घूमने के लिए अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ। गोवा? कब कब गई है गोवा? सर आज 2 बजे। कैसे जा रही है वो, फ्लाइट से या ट्रेन से? सर आज ही की बस है 2 बजे की, मैंने ही टिकट कन्फर्म करवाया था कल। तुमने ये टिकट कहाँ से बुक करवाई? सर शुभ यात्रा ट्रेवल से। शुभ यात्रा, जरा नंबर देना इस ट्रेवल एजेंट का। सर 1 मिनट में लिखता हूँ। हाँ सर लिखिए। बोलो। 110-347-832। हेलो। हाँ मैंने आज की 2 टिकट्स बुक की थी गोवा के लिए, राजीव और स्वाति के नाम। हाँ हाँ क्या बस निकल चुकी है? ये बस कहाँ तक पहुँची है? पनवेल तक। बस का नंबर क्या? ओके ओके थैंक्स। अभिजीत बस निकल चुकी है और पनवेल तक पहुँच भी गई है। कहीं भी पहुँच जाए दया रोकना तो पड़ेगा ही। मैं एसीबी साहब को फोन करता हूँ। हेलो सर। क्या ये स्वाति तो हमारे आसपास ही थी पर पता नहीं चला, अब पता चली गए तो हमारे हाथ से ये निकलनी नहीं चाहिए। सर मैंने तो उसकी फोटो ऐसे ही देख ली थी बाय चांस वहाँ कंप्यूटर क्लास में। 3-3 खून किए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं। सर लगता है इन दोनों की आपस में कोई दुश्मनी थी तभी तो ये सब खून हुए। वहाँ के एक स्टाफ ने भी बताया था कि इन दोनों के बीच में, इस रजनीश और स्वाति के बीच में भी जबरदस्त झगड़ा हुआ था सर। अच्छा
कहीं झगड़े की वजह से तो खून नहीं हुआ इस रजनीश का? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। सर उसे शायद पता चल गया होगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तभी भाग रही है इस तरह से। और अगर वो गोवा गई ही नहीं और रास्ते में ही उतर गई? हाँ हाँ विवेक, अगर वो उतरी है तो बस वाले को तो पता चल ही जाएगा ना कि वो कहाँ पर उतरी है। सब लोग देखना, जरा देखना कहीं पर बस दिख रही है क्या। दया, उस डंपर ट्रक के आगे देखो, एक लग्जरी बस है। नहीं सर। उस बीएसटी बस के आगे देखो, मुझे एक लग्जरी बस दिख रही है। सर ये बस वही नंबर है। ड्राइवर के बराबर ले लो। ए रुको रुको, ए रुक जाओ, बस रुको, बस साइड में ले लो, ले लो साइड में। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग सीआईडी से हैं। घबराइए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। ये है सर स्वाति, हमें इनसे, स्वाति जी आपसे, आपसे काम है, आप जरा बाहर आइए। आइए आइए। मैं क्यों राजीव? ये क्या बदतमीजी है, अगर आप सीआईडी से हैं तो किसी को भी परेशान करेंगे। देखिए स्वाति जी, हमें सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए भलाई इसी में चुपचाप बाहर आइए। आइए इधर। आप क्या कह रहे, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। इनकी प्रॉब्लम क्या है यार? देखिए आपको जो कुछ भी पूछना है यही पूछो, ये बाहर नहीं जाएंगे। तुम चुपचाप यहाँ आओ, तो एक ऐसा हाथ पड़ेगा ना, 10 दिन तक दिमाग घूमता रहेगा, समझा? राजीव देखो, तुम रुको, मैं अभी देख के आता। चलो आओ, आओ जल्दी। अब ताशा इसे ले आओ बाहर। अब मैं, चलो नहीं, मैंने क्या किया है? चलो चुप जा, जा रहे हो मुझे, मैं नहीं आऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो मैं, छोड़ो। ए रुक, ए रुक जाओ, पकड़ो उसे। हाँ, मैंने ही मारा था रजनीश को। ऐसे ही मार दिया बिना बात की? ब्लैकमेल कर रहा था वो मुझे। ब्लैकमेल? हाँ। कैसे ब्लैकमेल करता था? जब देखो ऑफिस आ जाता था गाड़ी ठीक करने के बहाने, और फिर पैसे मांगता था मुझसे, कभी 5 लाख तो कभी 10। क्यों, पैसे क्यों मांगता था वो? क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने ही अपने असली बाप और सौतेली माँ का खून किया था। एक मिनट, ये असली बाप और सौतेली माँ, ये क्या चक्कर है? मेरे बाप और मेरी सौतेली माँ ने मिलकर मेरी माँ का खून कर दिया था। तुम्हारी असली माँ का खून? हाँ। और ये सौतेली माँ, ये कौन थी? वो रजनीश की माँ थी, उन दोनों ने मिलके मेरी माँ का खून कर दिया। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया, आज तेरी वजह से मेरा प्यार, मेरी जान माल थी, मुझसे नाराज हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, मैं तेरे छांस में नहीं आने वाला। जब मैं 15 साल की थी, एक रात मेरे पिताजी, कोई है? ओ!
तो डर ही गई थी। काम हो गया? हाँ, जैसा तुमने कहा था जादू, मैंने वैसा ही किया। लाश को कहीं छुपाना पड़ेगा। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपनी माँ के खून का बदला जरूर लूंगी, नहीं छोड़ूंगी उन दोनों को। मगर तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? मेरी माँ के मरने के बाद मेरा बाप रोज मुझे पीटता था, मारता था, धमकाता था। कहता था कि अगर किसी से कुछ कहा तो वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ तुम्हारी माँ को पहुँचाया। और तुमने उन्हें मारा कैसे? उनके शरीर पे तो कोई निशान था नहीं, गोली लगने का या चाकू का? जब वो लोग सो रहे थे तो मैंने उन्हें बिजली का करंट लगा दिया और उनके मरते ही उन्हें वहीं छुपा दिया और फिर घर बेचकर भाग गई। हाँ, यही गलत किया तुमने। अगर लाशें कहीं और छुपाती तो शायद हमें पता नहीं चलता। और ये रजनीश, रजनीश को कैसे मारा तुमने? मैं पहले से ही जानती थी कि राजीव और रजनीश अच्छे दोस्त हैं। मैंने राजीव से कहा कि वो रजनीश को पार्टी के बहाने बुला ले। ओह, तो आप भी मिले हुए हैं। पहले तो बहुत चूचू कर रहे थे, अब क्यों चोच बंद है तुम्हारी? देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, पर जो कुछ भी किया वो इसने किया। मैं तो सिर्फ उसे बुलाकर लेके आया था। फिर क्या हुआ? जब राजीव और रजनीश पार्टी कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे हो इस जंगल में? तुम इसे जानते हो क्या? इसे कैसे नहीं पहचानूंगा? यही तो मेरी माँ के खूनी है। इसे देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। देख, सुन बात को सुन और समझ। देख, मेरी बात सुन। देख, इन बातों को भूल जा। मैं देख इसे समझाऊंगा। ठीक है? देखो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। सौतेली ही सही, लेकिन वो तो बहन ना। तू बहन नहीं है, तू खूनी है। खूनी। मैं कल ही सीआईडी को सब कुछ बताऊंगा जाके। तू पुरानी बातों को भूल जा और मेरी बात को सुन। कैसे भूल दूं मैं? इसकी वजह से मुझे कैसा कैसा टाइम बिताना पड़ा। सड़कों पे सोया, भूखा रहा। अगर मैकेनिक का काम नहीं सीखा ना तो मैं मर जाता। मैं तेरी बात समझ। देख, तेरे साथ इंसाफ होगा। देख, मैं उससे बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ। अब बैठ पीते हैं, बैठ। दारू पीते हैं यार, प्लीज। बैठ ना यार, तू बहुत टेंशन लेता। बैठ ना। अरे बैठ, आराम से बैठ। क्या हुआ? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं घर जा रहा। सुन तो सही। अरे क्या हुआ? मैं घर जा रहा। मेरी बात तो सुन। अरे हुआ क्या यार? लेकिन सुन तो सही, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हमने उसे बहुत रोकना चाहा और गाड़ी में बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर निकल गया हमारे। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुम दोनों ने। कांच से खून, कांच से। वाह, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मगर रजनीश, मरते मरते तुम दोनों को फंसा गया। ये सब राजीव की गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ना ही तो उसे छोड़ते और ना ही आज हम सीआईडी के हाथों में होते। बस यही होता है सर, जब पकड़े जाते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं। अब जेल में बैठ के झगड़ा करना, समझा? स्वाति, माना कि उन्होंने तुम्हारी माँ का खून कर दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी खून करो। तीन तीन खून किए तुमने, तीन खून, और इसमें इस राजीव ने भी तुम्हारा साथ दिया। अब इंतजार करो फांसी का। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।